हाँ जी, कैसे हो सब लोग? मैं तो बढ़िया। बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे तो कुछ लोगों के मैसेज आने लगे। अरे शिवा भाई, वीडियोस बनाना शुरू किया था, फिर से बंद कर दिया क्या? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़े एग्ज़ाम आ गए थे बीच में, वीडियोस तो बनाए थे मैंने बट ना एडिट नहीं कर पाया था। तो अब मैं एडिट करके धीरे धीरे डाल रहा हूँ, सारे वीडियोज़ डालूंगा और डाल रहा हूँ, आज एक डाल रहा हूँ। तो फिर तुम लोग देखो और इन्जॉय करना और फिर जैसा हो बताना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं फिर। हाँ जी चलो। तो गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी जल्दी जल्दी नाश्ता निपटा लूँ, फिर जाना दूध लेने, फिर लौट के आना है, नहाने धोने हैं, पढ़ाई करनी है, पेपर आ गए हैं, बहुत सारे काम हैं। ये देखो मैंने तुम लोग को होली में दिखाया नहीं, गुजिया वगैरह भी सब खा गया मैं। ये देखो ये वाली वाली मटरी मैदा वाली, ये आटा की, ये वो जो सेब बनते हैं ये मटरी को पसंद है, और ये बिस्किट मैदा है, ये इसलिए ताकि पेट अच्छी लगे, बाकी मुझे एक पसंद नहीं, मुझे बेसन का सामान। सारी चीज़ें एक तरफ और गरम चाय की चुस्की एक तरफ। वैसे मुझे कॉफ़ी पसंद थी बहुत ज़्यादा, चाय तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता था, कॉफ़ी प्रेफर करता था, बट कुछ लोगों के साथ रह रहे के मेरी आदत पड़ गई चाय पीने की। मैं जनरली चाय नहीं पीता था, मुझे कॉफ़ी पसंद है, लेकिन अब तो पसंद है चाय अपनी, चाहे काली हो चाहे पीली हो, चाय पीते हैं। इसके बाद जाते हैं सामान, वो दूध लेके आते हैं, ठीक है? पंचा रहे हैं दूध लेने, और किसी ने बोला था कि तुम्हारे व्लॉग में गोबर सोबर सब दिखता है, तो भाई दूध लेने जाऊंगा तो गोबर भी तो देखना ही पड़ेगा ना, है ना? तो ये रहे हम, ये रहे हमारा झोला, और जा रहा हूँ गाइस दूध लेने, तुम भी चल लो। दूध ले लिया हूँ, अब जा रहा हूँ घर, और जाना है पढ़ना भी है, और देखते हैं फिर कहाँ पढ़ते पढ़ते हैं आपके घर गए। सोचा लेट लेता हूँ, आज एक पार्सल आना था, जैसे लेटा हूँ सोच रहा कि पार्सल आ ना जाए, और वैसे ही आ गया। गुड इवनिंग, और अपन सो चुके हैं, कितना भी हो कुछ भी हो नींद तो आती है ना। सो के उठा और उठते ही अपना नाश्ता तैयार हो गया, शाम का भूख लगी थी बहुत जोर से, तो हमारी माता श्री ने हमें दिया खाने के लिए, हम बाहर नहीं गए हैं, मम्मी ने बेड में ही पकड़ा दिया है। ये रही अपनी खीर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। यार रात में बहुत देर से सोया, कल मैं कल सोया करीब 2-2.5 बजे, और अभी उठा हूँ तो आंखों में बिल्कुल नींद भरी हुई है, नींद आ रही है। और आज जल्दी से मैं उठ गया था सुबह, जल्दी से नहीं मतलब आज उठ गया हूँ, उठा हूँ 8-8:30 बजे करीब, फिर गया दूध वगैरह लाया। आज देखो जल्दी से नहा धो के चम हो गया हूँ बिल्कुल, पेपर आ गए ना तो पढ़ लूँ, नहा धो के इसलिए बैठ गया हूँ और नाश्ता कर लूँ। और आज देख रहे हो ये प्लेट अजीब सी क्यों दिख रही, क्योंकि मैंने लगाई है, मम्मी बिजी थी तो मम्मी नहीं लगाई, मैंने लगाई है। तब देखो ना सर्विंग तरीके समझ में आ जाएगा कि मैंने लगाई है। ये बिस्किट रहे कुकीज़ वाले, ये नमकीन वाले, और ये रहा वो मीठे वाली मटरी बनाई थी वो रही। देख रहे बाल अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तो लगते हैं बाल मुझे, लेकिन सब लोग कहते हैं बड़े हो गए हैं, बड़े हो कटवा लो, फिर मुझे भी लगता है कभी कटवा लूँ क्या, कटवा लेता हूँ, सोच रहा हूँ किस दिन टाइम मिले थोड़ा फिर कटवाऊँगा। देख रहे हो भैया लोग कितनी मेहनत कर। सो ये जो जाते हुए देख रहे हो इन भैया को, ये जस्ट अभी आए थे इतनी धूप में मुझे पार्सल देने, तो समझ रहे हो कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। और एक चीज़ बताता हूँ, रुको तुम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं ऐसा नहीं था पहले, पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा दूसरी तरह सोचता था, पहले उन्होंने सोचता था कि ये तो उनका काम है, ठीक है दोपहर हो धूप हो गर्मी हो ये तो उनका काम है तो करना है उनको। तो जैसे ना कोई पार्सल आता था, जैसे मान लो कोई पार्सल है 598 रुपये का, तो मैं उनको ना केवल 598 ही देता था। तो ना धीरे धीरे ही अपने मन से खुद से एहसास होता है कि यार अगर हम 600 किसी को दे देंगे ना तो वो रहीस नहीं हो जाएगा और हम गरीब नहीं। तो आप लोग भी ट्राई करना, ये मतलब खुद से ही आता है कि यार कैसे धीरे धीरे आप किसी की हेल्प कर सकते हो, हम दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये सोच के मत करना कि आपको भी जरूरी हेल्प मिले, जरूरी नहीं कैसा हो सकता है ना भी मिले, हेल्प करके देखो अच्छा लगता है। तो ये रहे अपने पार्सल, 4 पार्सल आए हैं। मैंने एक ये डेनिजन की जॉकेट मंगाई थी बट इसकी फिटिंग अच्छी नहीं, इसलिए इसको वापस करना पड़ रहा है, और पार्सल वाले का फ़ोन आया है कि आ रहा हूँ लेने, तो जल्दी से मैं इसको पैक कर दूँ, तो आ रहा हूँ, कॉल आई उनकी।
सो भैया लेके हमारा पार्सल अब जा रहे हैं हम अंदर, इसलिए धूप बहुत जोर से लगी थी इसलिए अंदर से दिखा रहा हूँ मैं। ओहो भैया स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ कमी आ गई थी शायद। और भाई निकल चुका है हमारा लेके। सो तुम लोग भी सोच रहे हो कि शिवा भाई ऐसा क्या मंगा लिया इतने सारे पार्सल में, तो ठीक है आओ देखते हैं क्या है ये। देखो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैंने ना 5 पार्सल मंगाए थे, एक वो डेंजन वाली जैकेट जो वापस कर दी, और ये बचे हैं 4। तो इसमें है ये घर के लिए मैंने हाफ लोअर मंगाया था लाइट कलर का, ठीक है, और इसको रखते हैं साइड में। देन फिर ये एक टी शर्ट मंगाई थी पहनने के लिए, खोल के दिखाऊंगा जब पहनूंगा तब देखना ऐसे है ये ऐसी है। और भाई इसका तो बहुत दिन से वेट किया, मेरे पास ना एक भी ब्लैक कलर का हाफ पैंट नहीं था, मतलब बाहर पहनने वाला, घर के लिए थे ब्लैक वाला नहीं था एक, तो एक ये मंगा लिया हूँ। अच्छा सा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्यारा सा। और जे 2 लोवर मंगाया हूँ घर में पहनने के लिए, एक ब्लू और एक ब्लैक। और एक चीज़ बताता हूँ, दिख रहा हूँ हाँ, और एक चीज़ बताऊँ कि कभी ना अगर आपको ऐसा लगे कि कोई डील अच्छी मिल रही है, तो अगर आपकी वो ज़रूरत की हो तो कोशिश करो कि आप उसको एक ना लेकर के 2 ले लो। तो क्योंकि जैसे मैंने 2 लोवर मंगा लिए, तो क्योंकि लोवर यूज होते हैं तो इसलिए 2 मंगा लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना हमेशा वो डील मिल पाए। तो कोशिश करना अगली बार से कि जो ज़रूरी सामान हो और आपको लगे कि हाँ ऐसी डील दोबारा नहीं मिलेगी, तो एक ना ले करके 2 ले लेना। जागरूक ग्राहक हूँ भाई मैं, ठीक है। मैं ये ना बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल सब्सक्राइब मत करो, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि वीडियो के नीचे जा करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, क्योंकि अच्छा लगेगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय। और सुनो तो, राम राम जी।